हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 26 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स से दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंडिगो में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है एक नेगेटिव मूव। यहाँ पे आप देखें तो 3.23% का नेगेटिव मूव 2584.40 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल यहाँ पे मीडियम टू स्मॉल साइज की, नीचे की साइड में छोटी सी विक देखने मिल रही है। आरएस हमारा 48-49 के आसपास आ चुका है, जो यहाँ पे हमें एक तरह से न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड का इशारा देता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएस हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड। थोड़ा सा डाउन साइड हमें जो अराउंड 2550 के आसपास देखने मिला, उसको भी क्रॉस करता मूवमेंट हमें जो है 2480 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको जो रिसेंटली हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था वहाँ पे आपको बताया था, अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे जरूर मार्क है। नीचे के साइड में हमने डेटा जो है यहाँ पे मार्क ज्यादा नहीं किया था, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो डेटा अभी जो है मैं यहाँ पे मार्क करके रख देता हूँ। तो मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट होने आई है। यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो जाए हम जूम करके बात करेंगे क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर लिया ताकि जो इंपॉर्टेंट डेटा है कल के लिए क्लियर देखने मिले। तो 2584 के आसपास जो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 2565 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 2589 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 2544 का, उसके बाद क्या 2523 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 2605 का, उसके बाद क्या 2620 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड 2589 से लेके 2605 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने में गैप अप ओपनिंग अगर 2590 के ऊपर हुई तो स्टॉक और भी जो ऊपर आते हुए हमें इजीली देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल कल के दिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।